हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज के जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं Q&A करने वाला हूँ। एक्चुअली जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, जो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट लिखते हो कि भाई कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपके, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देख रहा था कि वाईफाई कैमरों से रिलेटेड है। हालांकि मेरा चैनल जो है ना, वो स्पेशली वाईफाई कैमरों का ही नहीं है, बाकी और भी कुछ टेक गैजेट्स या कुछ अप्लायंसेस की मैं वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन वाईफाई कैमरों से रिलेटेड ना काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे चैनल पे मुझे मिलते हैं। तो आज मैं उनमें से कुछ कमेंट्स मैंने पिक की हैं, उनका मैं आंसर देने वाला हूं। क्योंकि देखिए, बार बार मैं कमेंट पे रिस्पांस करता हूं तो आई थिंक क्लियर नहीं होता होगा। तो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर उठाए हैं जिनमें मैं फ्रीक्वेंटली देखता हूं कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ ना, तो एक सबसे मेन क्वेश्चन मुझे यहाँ पर आता है कि भाई हाउ टू शेयर वाईफाई कैमरा टू अदर्स। तो देखिए, वाईफाई कैमरा जो है ना, एक्चुअली कोई एक कंपनी का वाईफाई कैमरा नहीं, सारे ही वाईफाई कैमरे जो आज की डेट में आते हैं वो कैपेबल हैं शेयर करने के। उनके अंदर एप्लीकेशन में जो ऑप्शन दिया जाता है वो शेयर करने का, हर कैमरे के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई आपको एक्चुअली करना क्या होता है, देखिए शेयर करना बहुत ईजी होता है, लेकिन एक मेथड है आपका। अब वो मेथड ना दो तरीके से काम करता है, कुछ कैमरों में वो एक टाइप ए से काम करता है, कुछ में टाइप बी से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ना मेनली जो ज्यादा कैमरे जो टाइप सपोर्ट करते हैं ना, वो ये होता है कि आपने अगर उस कैमरे को किसी अकाउंट पे एक्टिवेट किया हुआ है, सपोज एक जीमेल अकाउंट पे आपने एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप उसको दूसरे फोन पे अगर चलाना चाहते हैं तो वहां पे आप ना अदर जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लो सेम एप्लीकेशन को, और अपने जो फर्स्ट कैमरा, जो फर्स्ट जो आपका मोबाइल है, जो मेन मोबाइल है जिससे आपने लॉग इन करके वहाँ पे उसको लॉग कनेक्ट किया है, वहां से आप शेयर का एक ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए, जो शेयर का ऑप्शन है ना, वो हर एप्लीकेशन में मिल जाता है, तो आप वहां से उसको शेयर करेंगे, आपने वहां पर उसको मेल आईडी पे शेयर करना है, मेल आईडी वो देंगे जो आपने दूसरे फोन में बनाई है, और उस पर आप शेयर करेंगे तो वो उस मेल आईडी पे आपको एप्लीकेशन आपने डाली होगी उस फोन में, तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा एक्सेप्ट करने का, और वो आप एक्सेप्ट करके और परमिशन लेकर के पूरा आप कर सकते हैं। ये एक मेथड है जिससे जो आप वाईफाई कैमरे उनको शेयर कर सकते हो। टाइप ए सपोज ये हो गया, और अब टाइप बी वो मेथड बता रहा हूँ जो कुछ कैमरे सपोर्ट करते हैं। वो देखिए ऐसा होता है कि आपको दूसरे फोन पे सेम मेल आईडी से ही ओपन करना है, आपको अदर किसी मेल आईडी से नहीं करना, जैसे कि अभी मैंने टाइप ए में बताया। तो आपको सेम मेल आईडी से उस एप्लीकेशन को दूसरे फोन में ओपन करना है, लॉगिन करना है, और वहां पे आपका जो फर्स्ट मोबाइल है जहां पे वो लॉगिन है, वही दूसरे फोन में आपने लॉगिन किया तो वहां पर वो कैमरे सब एज इट इज आप कनेक्टेड मिलेंगे। तो ये दो मेथड बेसिकली होते हैं शेयर करने का। अब आपका कौन सा फोन है डिपेंड करता है उसके ऊपर कि भाई कौन सा मॉडल आप यूज करते हो, जो भी मॉडल यूज करते हो उसके हिसाब से आप इन दोनों में से कोई एक फंक्शन आपको डेफिनेटली काम करेगा। तो भाई इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ इस बात पे समझ आई होगी कि किस तरीके से शेयर करना है। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन है कि मोबाइल वाईफाई से चालू कर सकते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन मुझे आता है कि भाई वाईफाई कैमरे को मोबाइल वाईफाई से कैसे चलाएं। अब देखिए, मोबाइल वाईफाई से नहीं चला सकते आप, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो वाईफाई होता है वो आप शेयर करेंगे, कैसे शेयर कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मोबाइल वाईफाई का मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। मोबाइल वाईफाई तो मोबाइल चल रहा है ना, वाईफाई से कनेक्ट होकर के आपका मोबाइल चल रहा है, आप तो हॉटस्पॉट से शेयर करना चाहोगे ना, हॉटस्पॉट से उसको कनेक्ट करना चाहोगे, तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाते हैं भाई कैमरे, इजीली हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हॉटस्पॉट आपने ऑन किया, मोबाइल का डेटा ऑन किया या वाईफाई ऑन किया, कुछ फोन्स होते हैं जो वाईफाई के थ्रू हॉटस्पॉट को ट्रांसफर करते हैं, एपी मोड बनाते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं, सभी नहीं होते, जिनमें होते हैं उसमें आप वाईफाई से भी कर सकते हो और मोबाइल डेटा से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली जाएगा वो हॉटस्पॉट के थ्रू ही। तो हॉटस्पॉट आपने ऑन करना है और अपने वाईफाई कैमरे को उससे कनेक्ट कर लेना है, वो कनेक्ट इजिली हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम जहां पर होगी वो बात ये है कि अब आपके पास वो वाला फोन जो आपने हॉटस्पॉट दे करके रखा है, वो आपका कैमरे के डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट 5-7 मीटर पे होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा दूर आप उस फोन को लेके जाओगे तो वो हॉटस्पॉट और जो कैमरा है उसकी डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो लिंक जो है वहां पे बनाया वो टूट जाएगा और उससे आपका कैमरा ऑफलाइन होगा।
इस तरीके से आप मोबाइल से मोबाइल के वाईफाई से चालू कर भी सकते हो और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपके पास स्पेयर फोन है जिसके अंदर नेट है, वो आप वहां पर रखिए, हॉटस्पॉट ऑन करिए, अपने कैमरे को उससे कनेक्ट करिए और दूसरे फोन पे, अदर किसी दूसरे फोन पे आप उसको चला सकते हैं, बशर्ते दोनों साइड नेट एक्टिवेट होना चाहिए। जिस फोन पे देखना है उस पे भी वाईफाई या मोबाइल डेटा होना चाहिए, जिस फोन से आप कैमरे को कनेक्ट कर रहे हैं उस पे भी हॉटस्पॉट ऑन होकर के नेट को एक्टिवेट रहना चाहिए। तो ये जो चीज है ये जरूरी है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा ये पॉइंट जो आप बार बार पूछते हैं। उसके बाद अब जो तीसरा मैंने क्वेश्चन उठाया वो ये कि भाई रिकॉर्डिंग रुक रुक कर आ रही है। अब वाईफाई कैमरे में रिकॉर्डिंग रुक रुक के आ रही है तो इसका रीजन ये होता है कि भाई आपने ना उसको इवेंट रिकॉर्डिंग पे सेट कर दिया, अपने फोन वाईफाई कैमरे को इवेंट रिकॉर्डिंग पे। अब आपको करना क्या है, उसको इवेंट रिकॉर्डिंग की जगह वहां पर आप उसको रेगुलर रिकॉर्डिंग भी आता है कुछ कैमरे में, कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग भी आता है कुछ कैमरे में, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग भी आता है कुछ कैमरे में, तो उस ऑप्शन पे सेट कर दीजिए, ना कि इवेंट रिकॉर्डिंग या मोशन रिकॉर्डिंग पे। ये सेटिंग आपको रिकॉर्ड सेटिंग में जाके 90% कैमरों के अंदर मिल जाए, तो आप वहां से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, हाउ टू रोटेट या हाउ टू फ्लिप, या फिर आपको लगता होगा भाई आपने कैमरे को जब अपसाइड डाउन यानी कि सीलिंग पे जब इसको हैंग किया है, तो आप जब फोन पे देखते होंगे तो आपको ना जो स्क्रीन है जो व्यू आ रहा है वो उल्टा नजर आता है, 180 डिग्री उल्टा नजर आता। तो देखिए उसका मेन कारण क्या होता है कि आपने नॉर्मली कैमरे को कनेक्ट किया और सीधा उसको ऐसे उल्टा करके टांग दिया, लेकिन आपने वहां पे फ्लिप नहीं किया, इन्वर्ट इमेज नहीं किया, इसलिए वो 180 डिग्री उल्टा आपको दिखाता है। आपने करना क्या है, अब आपने अपने फोन की एप्लीकेशन पे जाना है, ऑलमोस्ट 90% कैमरों में ये ऑप्शन काम करेगा। देखिए आपको ना सेटिंग में जाना है, कुछ कॉमन सेटिंग करके आता है, जनरल सेटिंग करके आता है, कहीं भी आप इनमें से जा सकते हैं, और कुछ आता है एमएस सेटिंग का ऑप्शन भी आता है कुछ कैमरों में, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक इस तरीके की सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा फ्लिप इमेज, तो आप फ्लिप कर दीजिए 180 डिग्री वो सीधा हो जाएगा कैमरा, या फिर इन्वर्ट इमेज का ऑप्शन भी आएगा उस कैमरे में वो भी सीधा कर देगी, मिरर इमेज का भी ऑप्शन आ सकता है, तो भाई वो भी देख लेना। मिरर इमेज में अब डिफरेंस आता है राइट लेफ्ट हो जाता है, वो चीज आप देख लेना, मेनली इन्वर्ट इमेज फ्लिप इमेज ये आता है, या इन्वर्शन आता है V380 वाले कैमरों में, तो ये दो तीन तरीके के नाम आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, इससे आपका कैमरा सीधा हो जाएगा 180 डिग्री टर्न हो जाएगा, अपसाइड डाउन होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर काफी पूछा जा रहा था पीछे कि भाई जो वाईफाई कैमरा है CP प्लस का स्पेशली, वो जब ऑफलाइन हो जाता है तो उसमें से रुक रुक के एक साउंड आता है कि वाईफाई कनेक्शन फेल्ड, वाईफाई कनेक्शन फेल्ड, या सर्चिंग फॉर वाईफाई समथिंग, ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट आता है, वॉइस प्रॉम्प्ट वहां पर आपको सुनने को मिलता है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ना वो CP प्लस के कैमरों में स्पेशली बता रहा हूँ, वो ऐसा होता है कि वो आपको उसका ऑप्शन मिलेगा जब आप जाएंगे सेटिंग में, तो वहां पर नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपको ऑडिबल अलार्म करके। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, अलार्म। अभी यहाँ पर ये थोड़ा वॉश्ड आउट है क्योंकि कैमरा मेरा ऑफलाइन है इस वजह से, तो ऑडिबल अलार्म या ऑडिबल साउंड समथिंग करके ऐसा नाम आता होगा, तो ये वाला ऑप्शन रहता है इस चीज को बंद करने के लिए, तो आप इसको ऑफ करके एक बार ट्राई जरूर करना। हालांकि मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इस चीज को कन्फर्म किया था तो मुझे इस चीज के बारे में बताया गया था कि ऑडिबल वार्निंग या ऑडिबल अलार्म का ऑप्शन जो आता है इससे ही वो ठीक हो जाता है। देखिए ये 100% मेरी तरफ से श्योर नहीं है, बट आप ट्राई एक बार कर सकते हैं, हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। और गाइस देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी मिलता है कि भाई इन कैमरों को हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट करें, हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट करें। हालांकि इसका मैंने आंसर अभी पीछे क्वेश्चन पे दे दिया था, लेकिन मैं इसका एक पर्टिकुलर आंसर देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होती है कि भाई किस तरीके से इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें ये बताइए। तो देखिए चाहे आपका वाईफाई है, चाहे आपका कोई भी किसी भी तरीके का नेट मिल रहा है, हॉटस्पॉट भी सेम वही काम करता है जो कोई वाईफाई काम करता है, तो आपने हॉटस्पॉट बस ऑन कर लेना है, नेट होना चाहिए आपके फोन में, मोबाइल डेटा ऑन कर लेना, फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर लेना, और अब हॉटस्पॉट जो है ना वो आपका एक वाईफाई बन गया। तो आपने क्या करना है, अपने कैमरे को उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है जिस तरीके से आप किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हो, कोई फर्क नहीं है दोनों में, इजिली कनेक्ट हो जाएगा, चलेगा बढ़िया। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने वो वाला मोबाइल जिससे हॉटस्पॉट ऑन किया है
उसमें पहला तो होना चाहिए नेट और दूसरा होना चाहिए वो कैमरे के नजदीक, कैमरे के पास होना चाहिए। वही प्रॉब्लम आएगी अगर वो कैमरे से दूर चला जाएगा, ये वाला फोन जिससे हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो वो आपको वहाँ पे डिस्कनेक्शन एरर शो होगा, ऑफलाइन शो होगा। लेकिन आप जिस कैमरे पे, जिस फोन पे देख रहे हैं, वो फोन आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। हॉटस्पॉट वाला जो फोन है वो आपका कैमरे के पास ही होना चाहिए, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी और आपका काम फर्स्ट क्लास करता रहेगा। अब देखिए, जिसके पास भाई एक्स्ट्रा फोन नहीं है वो क्या करे। अब देखिए वहां पर ना एक ऑप्शन आता है कि आप 4G राउटर ले सकते हैं जिसमें सिम वाला जो है सिम कार्ड डलता है और वो नेट देता है। मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बना रखी है, सीबीएलएस का मैंने 4G राउटर की वीडियो बनाई हुई है, आप वो ले सकते हो। 4G सिम वो इजीली चलाता है, 5G सिम है तो भी वर्क करेगा। कंसिस्टेंट का एक आता है वो आप ले सकते हो, 4G 5G दोनों तरीके के सिम पे वो वर्क करता है, वो आप ले सकते हो। सो गाइस, ये था कुछ क्यूएनए वाला वीडियो। अब देखिए गाइस, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन हैं आपके, जो आप जिनका आंसर जानना चाहते हैं, आपको भाई थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रहा, तो आप हैशटैग Q&A करके अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो उन सभी कमेंट को मैं अपने Q&A वाले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन रिलेटिव होगा तो मैं आपका क्वेश्चन पिक करूंगा और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, ये था मेरा एक सिंपल सा वीडियो, आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइस, चैनल पे अगर आप नए आए ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी भी हो सकता है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो, वो आप अपनी प्रॉब्लम्स आप चैनल पे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका आंसर कोशिश है कि मिल जाएगा। और गाइस चलिए मिलते हैं, और भी वीडियोज आ रही है चैनल पे, आप उनको भी देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।